जे जनानी आंदी नंगे अंदर सुते होंगे चार पांच बाबे तो हमेशा ही होंगे सवेरे जो मर्जी आग देख लेते वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग थे चार पांच माया थी पीटा एक ने मेरे को कोई समस्या का समाधान पीटने से थोड़ी होता है इन्हों जरा मार के उन्होंने भजाता दूजी पार्टी ने और ताले मार ले आप सख्त निंदा करने कि एक मंदिर आजी प्रॉपर्टी नहीं हैगी उनका मंदिर से कोई रिश्ता नहीं उनका समिति है गौशाला से लगी है मंदिर नूं ताले लगाउण ते महंत नाल मार कुटाई करन ते देर रात चौंक कीता गया जाम तुहानूं दस दईए कि शहर दे संत नगर इलाके दे विच स्थित शिव शक्ति मंदिर विखे देर शाम मंदिर दे महंत ते समर्थकां ने मंदिर नाल संबंधित गौशाला दे कमेटी मैंबर विचकार जम के बवाल हुंदा दरअसल तुहानूं दस दईए कि गौशाला दे प्रबंधक ते मंदिर विच आउण वालीआं महिला श्रद्धालुआं दा दोष है कि मंदिर विच कुछ नशा करन वाले नौजवान आउंदे हन अते महंत भी गलत अवस्था विच मंदिर विच फिरदे रहिंदे हन जिस कारण उन्हां महंतां नूं मंदिर विच नहीं रहन देना चाहुंदे उत्थे ही अज उन्हां वल्लों महंत नूं जाण लई कहा गया ते मंदिर विच ताले लगा दित्ते गए ते नौजवानां ने जम के हंगामा कीता उत्थे दूजे पासे महंत दे समर्थकां दा दोष है कि महंत नाल मार कुटाई करके जबरदस्ती ताले लगाए गए हन इस पासे तुसीं सुनो कि महिला श्रद्धालु ते रुद्र शर्मा गौशाला प्रबंधक कमेटी दे कमिश्नर कैशियर ने की कहा मेरा नाम सुमन पिंड चाहिए शिव शक्ति मंदिर गौशाला इंट्रस्ट है इतों की कमेटी भी हैगी एक कमेटी से बंदे नहीं जो अच्छे लंटन में दसा पहली गल तो यह है ना ही अभी बाबा भालिया सानू नहीं पता किन्ने भालिया किन्ने नहीं भालिया तो जे जनानी आदि नंगे अंदर सुते होंगे चार पांच बाबे तो हमेशा ही होंगे सवेरे जो मर्जी आग देख लोग इन्होंने रोकया इन्होंने बदमाश छे भी बदमाश लिया होने तो इलाज करना कल कल जनानी ने अं देखा केंद्र नाल गंदिया गाला भी क्ढे गए सू चपेट मारी इन्होंने अच्छे ता ही बजा दिया भुड़किया तो भुड़कड़ा नहीं आई तो शहरों आने सन आज धरना इसलिए लगाया है कि कुछ समिति के लोगों ने हमको शाम को पीटा और पीट के मंदिर से बाहर निकाल दिया और गेट का ताला लगा दिया किस बात का तो कारण वही बताएंगे जो उनसे पूछा जाएगा भाई किस बात का हमको मारपीट करने वाले तो वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग थे चार पांच माया थी पीटा एक ने मेरे को कोई समस्या का समाधान पीटने से थोड़ी होता है अपनी गांव की समिति बिठाते अपने गांव के लोगों को बिठाते शहर के लोगों को बुलाते बैठ के बाबा जी ये बाबा जी चंगा नहीं है इसको बाबा जी को निकालो तो हम आराम से निकल जाते तो उन्होंने पीटा क्यों पीटने का कारण हमको उनसे पूछना है और मंदिर से क्या रिश्ता है उनका उनका मंदिर से कोई रिश्ता नहीं उनका समिति है गौशाला से लगी है मंदिर से निकाला गया है सामान भी लेने नहीं दिया है बोले निकलो यहाँ से जो है कंप्लेंट की थी पुलिस आई है ताला खुलवाया है मंदिर का जो ताला लगाया है मंदिर का ताला SHO ने खुलवाया है गगन महाजन मैं इस गौशाला के बिल्कुल सामने मेरा घर आ जेड़े ये संत ने अज घटना हुई है ये बहुत ही निंदा योग घटना वा शहर वास्ते बहुत ही कलंक की गल आ ये जी घटना होने का रीजन की है इस गौशाला से बड़े बड़े सप्पां की नज़र आ जमीन के उत्ते ये जमीन करोड़ों रुपये की जमीन आ जिदे उत्ते हर बंदे की नज़र लगी हुई है असल में इतने झगड़े का मुढ़ की आ इत्थे जिहड़ी पहली कमेटी काम करती सी उन्नू दूजी पार्टी ने उहदा विच्चों बंदे निकल के दूजी उन्होंने कमेटी बना ली इन्हां दोनों का आपस च झगड़ा कोई लैन देन नहीं सानू झगड़े नाल ये मरन लड़न कुछ भी करन सिर्फ ये संत उत्थे बैठे आ गद्दी दे उत्ते इन्हां नूं जिहड़ा मार के उन्होंने भजाता दूजी पार्टी ने और ताले मार ले आपां ये सख्त निंदा करने आ कि एक मंदिर आ इहदी निजी प्रॉपर्टी नहीं हैगी ये मंदिर हर बंदे ने जाना वा इस करके ये संतान को जरा इंसाफ दिता जाए ये मंदिर जड़ा वा ये नाथा का मंदिर आ नाथा ने इन्हों मंदिर की गद्दी पर बिठाया वा नाथ संपरदाय ने आके 3 महीने इन्हों गद्दी पर बिठाया वो सारे भरा मेरे उत्थे ही प्रेस रिपोर्टर जो इन्हों गद्दी उत्ते बिठाया कृपा करके जड़ा वा ये साथ दियो संतान का एक कलंक जरा वो पिंड की कमेटी है जी वो कमेटी बनी दी है सिर्फ दुध पीने वाली गौशाला के 10 दिन पहला एक गाय का एक्सीडेंट होया जीडी रोड से मैं गाय चुक के गौशाला खड़ी इन्होंने गौशाला के गाय नूं रख्या नहीं अज वो गाय मेरी पैली दे विच बजी हुई आ आके सारी दुनिया देख सकती आ वो गाय का मैं ट्रीटमेंट करा दिया 10 दिन तो देखो कमेटियां नूं चाहिए नहीं सानूं ये कमेटी नहीं चाहिए असी कमेटी नूं की करना
मंदिर गंद प्यारे और आप जरा मंदिर की जी जगह जमीन कब्जे च कर लिए ये प्रॉब्लम आ होर कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। मैं कदी पहली बार देखा मैं उत्थे गया वा खुद मेरे गले फड़े है जी मैनू वेखो मैं संत नू बचाण लई गया मैनू कल्ले नू ये बंदियां ने देखो घरीड़ घरीड़ सुटिया सब ने जी बिल्कुल सामने मारिया जी इन्होंने गऊशाला ने कब्जा किया उन्होंने जी गोलक गऊशाला की खोली दी है जी उन्होंने कोई उन्होंने लैन देन ही नहीं है कमेटी ने इन्हों का हाई कोर्ट मसला वा दोनों कमेटियां का हाडू कमेटी ने लैन देन ही कोई नहीं अभी तो मंदिर की गल करने के मंदिर नू ताला हेल्पलाइन नंबर तो कॉल आई सी भी उत्थे मंदिर के बाहर बंदे कट्ठे हुए हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता जो असी मौके पर गए तो दो धर सीगे एक धर कह रही थी भी मंदिर जिंदा लाया तो जिंदा खिलाया जाए असी मौके पर जिंदा खिला के संगत को कहा भी अपना तुसी अपनी मत्था टेक सकते हो जितना अपनी श्रद्धा मुताबक पूजा करनी है कर सकते हैं वो तो बाद इन्होंने सवेरे 10 बजे का टाइम दिता है DSP साहब के दफ्तर का वो तो मौके पर इतने इन्होंने आके बाद धरना लाया जी धरने जिंदे लाए थे वो कह रहे थे भाई कमेटी है साड़ी भी ये हल्ले पिंड की जगह वा तो हल्ले पिंड के जोड़े बंदे हैं सारे मोतबाद ये है जी जनानिया से उत्थे जिन्होंने एलीगेशन लाया भी बाबा का जोड़ा थोड़ा बिहेवियर आ नहीं सही है इस करके असी नहीं चाहते भी ये बाबा इतने रवे दूसरा बाबा कोई भी आके जो मंदिर की टेक केयर करे उस टाइम तो सानू इन्होंने कोई नहीं दसी मार कटाई वाली गल सिर्फ इन्नी गल हुई है भी बाबे तो लेडीज़ ने एलीगेशन लाया कंप्लेंट एक साइड तो हाँ जी सानू पुलिस हेल्पलाइन पर गई थी कंप्लेंट ये जी वो पुलिस हेल्पलाइन वाले नंबर से चंडीगढ़ तो कॉल आई थी 112 दूसरी पार्टी ने की साढ़े लोग वैसे इन्होंने टाइम दे के आए थे इन्होंने सवेरे 10 बजे का भी सानू मतलब जो मैटर वो एग्जैक्ट पता लग जाए भी जेड़िया दोवें पार्टियां दावा कर रही ने भी सही पार्टी जी को अपनी कि दोनों